अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल जैनब किचन रेसिपी। आज हम लोग के घर पे मेहमान आने वाले हैं। राइट नाउ शायद उन लोग अभी जू चौपाटी पे है, तो आज हम लोग 5 रेसिपी बनाने वाले हैं। पहला रेसिपी है सुरमे फिश करी, सुरमे फिश फ्राई, रानी फिश फ्राई, प्रॉन्स डीप फ्राई विद ब्रेड क्रम्स और प्लेन राइस और मसूर की दाल। जो चैनल पे न्यू है प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड माय नेक्स्ट वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, प्लीज वेलकम। नहीं किया लेकिन तो सस्ता भी तो नहीं है ना, मच्छी महंगाई है। अरे नहीं, असल मच्छी नहीं है उतना, अपने माने बस इसी तरह सब झींगे को इसी तरह छिलके ले लेना है, बाद में इसको जब डीवेन कर देना है, इसका अंदर की नस भी निकाल देना है। ये देखो पूरा झींगा एकदम सफाई करके हो गया है। इसको अच्छे से ब्रेड क्रम से कोट करके हम लोग अच्छे से इसको डीप फ्राई करेंगे प्रॉन्स को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, ये हो गया 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, ये जीरा पाउडर है 1/2 चम्मच, ये धनिया पाउडर है 1 चम्मच, ये कश्मीरी पाउडर है 1 चम्मच, ये लेमन 1 डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। अभी इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है। देखो मसाला बहुत अच्छे से लग चुका है। अभी हम लोग 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए छोड़ देंगे, इसके बाद में फिर हम लोग इसको फ्राई करेंगे 1 घंटे बाद। देखो पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, हम लोग अभी पानी भर रहे हैं, इसके लिए उसको मोटर का आवाज आ रहा है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ये रानी फिश है, इसको भी हम लोग मसाला लगा के रख देंगे, उसके बाद में फिर हम लोग इसको भी 1 घंटे के बाद में फ्राई करेंगे सुरमे मच्छी के साथ में। ये मिर्ची पाउडर है 1 चम्मच, ये धनिया पाउडर है 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, एक कश्मीरी पाउडर है 1/2 चम्मच, 1/2 लेमन का जूस, देखो अच्छे से मसाला लग चुका है। 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए छोड़ देंगे, इसके बाद में फिर हम लोग फ्राई करेंगे। देखो हम लोग इस तरीके से हम लोग ने प्राउन्स को बीच में से कट किए हैं, ताकि ना मसाला इसमें बहुत अच्छे से लग जाएगा, बाद में इसको फिर हम लोग डीप फ्राई करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ में। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, धनिया का पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, कश्मीरी पाउडर 1/2 चम्मच,
लेमन है मैं आधा डालूंगी। इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद में आधा से एक घंटे के लिए आप लोग इसको मैरिनेट करके रख देंगे। चाहो तो आप आधा घंटे भी रख सकते हैं, एक घंटा भी रख सकते हैं। इसके बाद में फिर हम लोग इसको डीप फ्राई करेंगे। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। प्रॉन्स को भी बहुत अच्छे से मसाला लगा के रख चुके हैं, सुरमई मच्छी को भी मसाला लग चुका है और रानी मच्छी को भी मसाला लग चुका है। हम लोग फर्स्ट रेसिपी बनाने वाले हैं वो है सुरमई फिश करी बनाएंगे, उसके बाद में फिर हम लोग ये मच्छी को सब फ्राई करेंगे। पहला रेसिपी हम लोग बनाने वाले सुरमई फिश करी। इसका मसाला है एक नारियल है, हम लोग एक नारियल का पूरा दूध निकालेंगे, दो टमाटर है, दो प्याज है, ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, एक लेमन है। ये पूरे मसाले को हम लोग अच्छे से हम लोग मिक्सर में पीस के ले लेंगे, बहुत अच्छा स्मूथ पेस्ट उसको बना लेंगे, जैसा हम लोग ने पिछले वीडियो पे भी हम लोग ने बनाए थे जब हम लोग ने फिश करी बनाए थे। पहले हम लोग नारियल को अच्छे से पीस के ले लेंगे, हम लोग इसका नारियल का दूध निकाल लेंगे, उसके बाद में फिर थोड़ा मसाले को हम लोग मिक्सर में अच्छे से पेस्ट बना के ले लेंगे। हम लोग जितना भी वीडियो हम लोग ने फिश करी का बनाया हम लोग उसमें ना कोकोनट मिल्क हम लोग ने ऐड किए है, इसमें फिश करी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग इसको सूखा पीस है, अभी हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। देखो बहुत अच्छे से हम लोग ने एक्सट्रैक्ट कर दिया हम लोग ने कोकोनट मिल्क। अभी हम लोग इसको अच्छे से छान लेंगे, छन्नी में इसको अच्छे से छान के हम लोग इसमें टोटली हम लोग कोकोनट मिल्क हम लोग निकाल लेंगे, फिर हम लोग करी में ऐड करेंगे। जो हम लोग कोकोनट मिल्क एक्स्ट्रैक्ट करते हैं छन्नी में, देखो कितना ब्यूटीफुल एक्स्ट्रैक्ट हो चुका है कोकोनट मिल्क। देखो कोकोनट मिल्क एक्स्ट्रैक्ट करने के बाद में फिर से हम लोग मसाला को मिक्सर में पीसेंगे, दो ऑनियन है, दो टमाटर और ग्रीन चिल्ली। इसके साथ में है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 2 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून और जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके साथ में हम लोग पीस लेंगे। मसाला ज्यादा डालने में मजा नहीं रहता। मेरी मम्मी बोल रही मसाला ज्यादा डालने से अच्छा नहीं रहता है, कम कम डालना चाहिए मसाला। मैं पूरा फिश करी का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके पूरा वीडियो फिश करी का देख सकते हो। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, देखो मसाला अच्छे से स्मूथ पेस्ट बन चुका है। कभी का बगाड़ने का तभी बगाड़ेंगे हम लोग फिश करी। ऑयल अपने हिसाब से यूज कीजिए। थोड़ा राई जीरा मेथी और थोड़ा करी पत्ता, राई जरा क्रैक होना चाहिए है ना, फूटना चाहिए, ठीक है, राई जरा फूटना चाहिए, क्रैक होना चाहिए। अभी हम लोग पूरा मसाला अभी जो हम लोग पेस्ट बनाए थे अभी पूरा इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। बस मसाले को अच्छे से भून के लेना है। अगर आपको थीक करी चाहिए थीन करी चाहिए आप वो हिसाब से अपना पानी एज रिक्वायर्ड आप डाल सकते हो। सॉल्ट अपने स्वाद अनुसार डालिए। हम लोग इसमें अभी जरा भी हम लोग ने पानी ऐड नहीं किए, मसाले में भी हम लोग पानी ऐड नहीं किए। अच्छा कांदे का पानी और टमाटर का पानी जो भी इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो पूरा ड्राई हो जाना चाहिए अच्छे से। ये मसाले में जो भी पानी प्रेजेंट है पूरा अच्छे से पूरा ड्राई हो जाने के बाद में फिर हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे एज रिक्वायर्ड। उसके बाद में हम लोग कोकोनट मिल्क भी ऐड करेंगे और उसके बाद में हम लोग इमली का पानी भी ऐड करेंगे। प्रॉन्स का जितना भी रेसिपी हम लोग आज तक हम लोग ने बनाया अपने यूट्यूब चैनल पे उसका लिंक मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा दे दूंगा, और जितना भी फिश करी हम लोग ने बनाया ले फिश फ्राई बनाया ले तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा लिंक दे दूंगा, आप जाकर वीडियो पूरा देख सकते हो। ये टैमरिंड वाटर है, इमली का पानी, जैसा मसाला अच्छे से भून के हो जाएगा फिर हम लोग इमली का पानी और कोकोनट मिल्क हम लोग ऐड करेंगे। मेरी मम्मी बना रही है सुरमई फिश करी। देखो मसाला अच्छे से भुन के हो चुका है, इसका
तेल ऊपर आ चुका है, इसका मतलब मसाला अच्छे से भुनके हो चुका है। अभी क्या ऐड करेंगे? अभी अभी तो इमली का पानी ना, इमली का पानी है। साथ में डालेंगे दूध भी। हाँ। तो अभी कोकोनट मिल्क भी ऐड कर लेंगे साथ ही साथ ना। ठीक है, मतलब इतना बॉयल होने के बाद में। हाँ। जैसा थोड़ा बॉयल हो जाएगा बाद में फिर हम लोग कोकोनट मिल्क भी ऐड करते हैं। देखो अच्छे से बॉयल हो गया है, अभी हम लोग कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे। वाह देखो कितना ब्यूटीफुल कलर हो गया फिश करी का। जैसा ही बॉयल हो जाएगा हम लोग इसमें सुरमई फिश ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में कितना मिनट पकाना है? 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे। जैसा बॉयल होने के बाद हम लोग फिश डालेंगे, उसके बाद में हम 5 मिनट हम लोग मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। इसके बाद में अपनी इसके बाद में सुरमई फिश करी रेडी हो जाएगी। मेरी मम्मी के साथ में वीडियो, मेरी बहन के साथ में वीडियो बनाते बनाते मैं भी अभी थोड़ा सीख गया हूँ। कवर करेंगे, इसके बाद में बॉयल होने के बाद में फिश ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम की है ना? हाँ। अभी हम लोग इसको मीडियम फ्लेम पे कर दिए, अभी हम लोग फिश ऐड करेंगे। 5 मिनट तक हम लोग इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, दैट्स इट। अच्छे से मिक्स करने के बाद में कवर करके 5 मिनट तक हम लोग कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे, दैट्स इट। देखो 5 मिनट हो चुका है, तो जबरदस्त खुशबू आ रही है मच्छी करी की, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। लुक सो ब्यूटीफुल, जबरदस्त। देखो सुरमई फिश का भी सालन एकदम रेडी हो चुका है। ये मेरा गुंडा है, ये अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट है, कल इसको मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। इसका ब्लड टेस्ट हो चुका है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है। आग मत मार, से प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चावल के लिए पानी रख दिया हम लोग ने, 1.5 किलो प्लेन राइस बनाएंगे। चावल पानी बॉयल हो गया, 1.5 किलो चावल है ये। हाँ। प्लेन राइस, तो चावल बन चुका है। दाल राइस बनने के बाद में फिर हम लोग फिश फ्राई करेंगे। दाल अभी गल रही है, देखो दाल गल चुका है, अभी खाली तड़का देना है बस। दाल का तड़का चालू है, थोड़ा सा राई जीरा, प्याज है, लाल मिर्च है और करी लीव्स है। जैसे प्याज जरा ब्राउन हो जाएगा स्लाइटली, दाल इसमें डालेंगे ना। ये थोड़ा हींग है, थोड़ा सा हींग डाले हम लोग ने अभी। कोरिएंडर लीव, मसूर की दाल बन चुकी है। नाउ इट्स टाइम फॉर फिश फ्राई। सुरमई फिश और दाल यहाँ पे रेडी हो चुका है, यहाँ पे चावल बन के रेडी हो चुका है। अभी हम लोग प्रॉन्स फ्राई करने वाले, डीप फ्राई। ये है मैदे का आटा, 4 टीस्पून मैदे का आटा है। ये है कॉर्नफ्लोर का आटा, ये भी 4 चम्मच डाल रहे हम लोग। है 1 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून जीरा का पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखो 2 मैदा डाल रही हूँ मैं। हल्का सा नमक डाल रहे हैं हम लोग, इसको अच्छे से बीट कर लेना है एक को।
ये होममेड ब्रेड क्रम्स है, ये हम लोग ने घर पे बनाए हैं। देखो प्रॉन्स को मैरिनेट होके एक घंटे के ऊपर हो चुका है। पहले हम लोग प्रॉन्स को मैदे का आटा और कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे, इसके बाद में एग में डिप करेंगे, इसके बाद में हम लोग कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स में, इसके बाद में फिर हम लोग प्रॉन्स को डीप फ्राई करेंगे। इसको इसी तरह से डिप करना है आटे पे, इसके बाद में एग में डिप करना है। इसके बाद में ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करके रखना है, ऐसे एक एक प्रॉन्स को लगा के रख लेना है, इसके बाद में फिर डीप फ्राई करना है। तो डू द सेम प्रोसेस फॉर ईच प्रॉन्स। जो प्रॉन्स की टेल है उसमें आपको पकड़ के करना है। इसी तरह सबको एक 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 करके सबको लगा देना है। देखो लास्ट का एक प्रॉन्स बचा है, फिनिश्ड। पूरे प्रॉन्स की कोटिंग हो चुका है, नाउ इट्स टाइम फॉर डीप फ्राई। तो इसको ज्यादा क्राउड नहीं करना है, जरा स्पेस होना चाहिए। देखो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, डीप फ्राई एकदम से गोल्डन कलर आ चुका है, अभी निकाल देना है। देखो बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुका है, जैसे गोल्डन होगा उसको भी निकाल देना है। प्लीज कमेंट बिलो आपको ये प्रॉन्स डीप फ्राई का वीडियो कैसा लगा। इसके बाद में सुरमई फिश फ्राई करेंगे और रानी फिश फ्राई करेंगे। वालेकुम सलाम, आ जा। बहुत इंतजार किया हम लोग। वालेकुम सलाम। देखो मेहमान फाइनली अराइव, घर पे आ चुके हैं। कैसे
हेलो सीन, हाउ आर यू? कैसी है? ठीक है, मैं अच्छी हूं, तुम कैसे हो? चा किड्स सी या घर में दवा आया दिन दिन ए बने बने आजा आजा। अरे रे 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 रे, वालेकुम अस्सलाम। ये तो हमारी भाभी है। हेलो भाभी, हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास। सलाम यार। वालेकुम सलाम। देखो, इसको भी मैरिनेट हो गया, एक घंटे के ऊपर हो चुका है। ये है सुरमई फिश है। देखो, हम लोग सुरमई फिश को हम लोग ब्रेड क्रम्स में हम लोग इसको फ्राई करके लेंगे। आप इसको नॉर्मल भी फ्राई कर सकते हैं, या तो आप ब्रेड क्रम्स में भी इसको फ्राई कर सकते हो। सुबह मच्छे अच्छे से डीप फ्राई हो चुका है। अभी हम लोग कॉर्नफ्लावर और मैदे के आटे में हम लोग कोट करके फ्राई करेंगे। जोया बना रही है अभी। अस्सलाम वालेकुम। सुरमई मच्छी बन के फिनिश हो चुका है। प्लीज कमेंट बिलो, आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड माय नेक्स्ट वीडियो। पूरा खा ले पहले। ये अच्छा बनाया ना, ये मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ट्राई करो आप लोग भी घर में बनाना, और सब लोग बना के खाओ। बहुत टेस्टी है। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और बहुत सारे लाइक शेयर कमेंट्स करके सबको आगे बढ़ाना। अभी रानी मच्छी की बारी है। इसको भी मैरिनेट होके काफी एक घंटे के ऊपर हो चुका है। अभी हम लोग रानी मच्छी फ्राई करेंगे। फाइनली सब मच्छी फ्राई करके हो चुका है। प्लीज़ कमेंट बिलो, आपको ये सब पूरा वीडियो कैसा लगा। जो चैनल पे न्यू है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड माय नेक्स्ट वीडियो।
आप सब भी ये खाना बना के घर में खाओ, फिश फ्राई करो, झींगा फ्राई करो। आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, सब्सक्राइब लाजिम करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अल्लाह हाफिज़।